तो भाइयों ठाकुरवाद आज के समय में सबसे बड़ा मसला है ठाकुरवाद। आज सभी ठाकुरवाद का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ठाकुरवाद चल रहा है सपा? कोई बोल रहा है कि ठाकुरवाद है, जबान काट लेंगे वो। हम तो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। तो भाइयों एक तरफ हमें हंसी भी आती है कि ठाकुरवाद, ठाकुर अकेले चल रहे हैं और सभी, लेकिन कब तक ठाकुरवाद का ऐसे झूठा रोब लगाना? देते हैं धनंजय सिंह का, तो कहते हैं वो तो पब्लिकली जौनपुर में क्रिकेट खेल रहे थे, उनको फिर इनाम है, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। ये सब लोग इसलिए क्योंकि वो राजपूत हैं, वो ठाकुर हैं। पहले भी समझाया था कि ठाकुरों पर ठाकुरवाद का झूठा आरोप नहीं लगाए। ये मीडिया हमेशा क्षत्रियों को कम करके दिखाती है, क्षत्रियों की आबादी 14% है, ये हमेशा कम करके दिखाएगी, और जिनकी आबादी 2% है उनको बड़ा चढ़ाकर बताती है, तब आपको ठाकुरवाद नहीं दिखाई देता। लेकिन ठाकुरों को कुचलने के लिए, क्षत्रियों को कुचलने के लिए सभी एक हो जाते हैं। अभी मुद्दा बनाया जा रहा है ठाकुरवाद, लेकिन जब हमने तहकीकात की तो ठाकुरवाद तो कोई है ही नहीं। अब खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड धरती में दो क्षत्रिय योद्धाओं ने जन्म लिया था जिन्होंने तुर्कों और मुगलों को हराया। पहला था राजा विद्याधर चंडेल जिन्होंने 11वीं सदी में तुर्कों को हरा दिया था, और दूसरा राजा था राजा छत्तरसाल बुंदेला। बुंदेलखंड की धरती बुंदेला राजपूतों पर भी है, लेकिन छत्तरसाल बुंदेला की धरती का इतना अपमान किया है फिर भी आपको ठाकुरवाद नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं, बुंदेलखंड की 19 सीटों में एक भी सीट क्षत्रिय को नहीं मिली, किसी ठाकुर को नहीं मिली, तो कौन सा ठाकुरवाद? बस ठाकुरवाद का झूठा आरोप लगाना।